हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर आपको दिख रहा होगा। अभी हम इसके अंदर ही जाएंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर साक्षी और ध्रुव स्लाइड कर रहे थे। अभी हम आपको थोड़ी देर में उधर ही लेके चलने वाले हैं, पर पहले आपको अंदर को टूर करवा दे हमने सोचा। देखो, सरजू दास जी महाराज, यहाँ पे है पीने का पानी, यहाँ पर पानी भी पी सकते। और यहाँ पे लिखा है ओम। चलो हम आपको अंदर का टूर करवाते हैं। ये है शिव जी का मदारेश्वर, और ये है नंदी बाबा, और ये देखो साक्षी और ध्रुव कैसे बात। और ये है नंदी बाबा, ये लगता है इनका बहुत बड़ा भक्त है। और यहाँ पर है पीपल का पेड़। यहाँ पे बने हुए शिवलिंग, पूरा पहाड़ बनाया हुआ है, पहाड़ के नीचे बनाए हुए हैं। ऊपर पहाड़ है और पहाड़ के नीचे शिवलिंग है। और यहाँ पर बैठने की भी सीट है, अगर आप थक जाओ तो यहाँ पर जरूर बैठना, बहुत शांति मिलती है। तो हम थोड़ा बहुत दर्शन कर लें यहाँ का, और साथ ही साथ आपको भी दर्शन करवाएं। हम इसके अंदर अंदर भी जा सकते थे, पर अभी नहीं जा सकते क्योंकि हम वहाँ पर लॉक लगा रखा है। बहुत बड़ा बरगद का ट्री है, देखो बहुत बड़ा पेड़ है, ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है यहाँ पे। सीढ़ी से हम नीचे जा रहे हैं अभी। पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अभी बारिश आई थी तो ग्रीन ग्रीन हो गया है। ये देखो ध्रुव है, ये उसके पापा हैं, ये भूमि है, ये साक्षी है, सब यहाँ पे। हम सब आज मंदिर में आए हैं। अब ये पेड़ छोटे हैं, देखो बेल पत्थर यहाँ पे है, कितना सुंदर। अभी बहुत अच्छा है, मेंटेन कर दिया है, पहले इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा अभी पेंट वगैरह कर दिया है, बहुत सुंदर। देखो त्रिशूल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने का भी रास्ता है। अभी मंदिर में हम थोड़ा शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते, गेट बंद कर रखा है।
से पानी आता है। बैठने की सीट है, यहाँ पर बहुत सारे मंकी भी हैं। ये देखो कितने अच्छे यहाँ पे बेल बनाई हुई है, पूरा ग्रीन 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 बेल पत्ता और बहुत सारी ग्रीन ग्रीन बेल से ढका हुआ है। बरगद के पेड़ तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। यह है कल्प वृक्ष, बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है शिव जी को, पूरा पत्तों से ढका हुआ है, बेल पत्र के कितने सारे पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। शिव जी की शेड बनाई हुई है। आगे यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं, देखो कितनी साफ सफाई पूरे में की हुई है। यहाँ पे मंकी बैठे हुए हैं और फोन हाथ में देखेंगे तो छीनेंगे वो हाथ से। देखो बहुत सुंदर है यहाँ पे मंकी। ये सूर्य ढल गया क्योंकि हम शाम को आए ना, देखो सूर्य देखो कैसे ढल गया है, अभी 7 बज गए हैं। मंकी अच्छी मस्त हवा चल रही है कि हम शाम को घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। बांसवाड़ा में बहुत अच्छी हवा चलती है शाम के समय, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं इधर और मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सुंदर सी ड्राइंग जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी, मतलब यहाँ पे बना रखी है बहुत सारी ड्राइंग है अभी तो हम, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो ज़्यादा जूम हो गया था शायद, कितनी मस्त है। और ये शिव जी की तो बहुत ही मस्त है, बाहर देखो ना आप व्यू कितना मस्त आ रहा है। उधर व्यू देखो, उधर ही कुत्ते सोए हुए हैं और क्या बताऊंगा इस रात को, और तो ऐसा कुछ है बहुत खास है। देखो गए आप, मेरा एक ही डायलॉग सुन के बोर हो गए होगे, और तो कुछ खास नहीं, बट कोई नहीं चलता है खेलता है।
और ये है पता नहीं किसका पेड़, कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। और अभी हम चलते हैं, हमने जो है कर लिया है मंदिर एक्सप्लोर, और पहले मैं बहुत गुस्सा आ रही थी पर अब नहीं आ रही है, और गाड़ी के पास आ गए मैं, और यहाँ कुछ ऐसा खास है नहीं। आगे चलती हूँ, देखो गाइस बस व्यू अच्छा आ रहा है और तो क्या बताएं। ये अंदर से ऐसा दिखता है पर अभी हम शाम को आए हैं इसलिए अभी खुला नहीं होगा, शायद मम्मी ने बता दिया होगा तो सुबह ही खुलता है। ध्रुव भी आ गया है गाइस, मस्त वहाँ से स्लाइड मार के आए हैं। हाँ गाइस हम आपको अपनी स्लाइड दिखाते हैं, आपको भी मजा आएगा। वैसे ये बचपन हम नहीं करते हैं, बड़ा गाइस को देख नहीं रहा है, यहाँ कोई है नहीं। हाँ सिर्फ कुत्ते के अलावा कोई नहीं है गाइस, तो फिर भाई पापा भी देख नहीं रहे हैं गाइस, तो हम कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले जो ध्रुव कर रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऊपर चढ़ रहा है। अबे बुद्धू सीढ़ियाँ है ना उससे चले जा, पूरा सांप बन रहा है। मैं आपको पूरी करके दिखाऊंगा गाइस, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं थक गई गाइस, मैं दूसरी वाली सीढ़ियों में जा रही हूँ बैठने। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मस्त तो रखा है, रुको रुको गाइस इसको देख लो पहले। गाइस यहाँ पे ऐसे साइड मारते और पूरी फिर पूरी जो पैंट है इसके कपड़े खंदे हो जाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना अगर आप अच्छे बच्चे होगे गाइस तो। और बाहर तो कुछ नहीं है, वहाँ देखो लाइट है गाइस, और अभी ध्रुव नीचे चला गया है तो मम्मी भी आ गई है। और अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हमने सोचा नहीं हम कहाँ जाएंगे क्योंकि अभी हम चलते चलते थक गए हैं, अंदर ही अंदर बहुत दर्शन कर लिए। हर हर महादेव। तो गाइस अभी कोई प्लान बना नहीं है, जब प्लान बनेगा तब हम आपको बताते हैं, जब गाड़ी में बैठेंगे तब आपको बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ गाइस आप लाइक सब्सक्राइब नहीं देखते हो, देखते तो जरूर हो लेकिन आप लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हो। हाँ। तो कैसे लगे आपको बांसवाड़ा की सारी जगह, ये व्यू हमारे, ये हमारी बिल्डिंग से यहाँ जो इसका त्रिशूल है ये वाला वाइट कलर का, ये हमारे बिल्डिंग से दिखता है। हम आपको कभी छत पे जाके व्यू दिखाएंगे, छत पे जाते हैं तो हमारा फिफ्थ फ्लोर तक है तो वहाँ से हमारा ये ऊपर का व्यू दिखता है, और हम इस व्यू को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आपको दिखाएं, ये अभी न्यू बना है मंदिर की लोकेशन, पूरा बांसवाड़ा दिख रहा है यहाँ से गाइस, आपको दिखाते हैं हम यहाँ से पूरा वो बांसवाड़ा दिख रहा है। अभी उस वहाँ से हम जाएंगे ढलान से, और ऐसे अच्छी अच्छी मंदिर और जितने भी यहाँ पे ब्लॉग वगैरह जितने भी जहाँ पे भी हम जाएंगे देखने बांसवाड़ा में, वो आपको दिखाते रहेंगे और इन्जॉय करते रहें आप, हम भी इन्जॉय करते हैं और आप भी हमारी वीडियो को देखें इन्जॉय करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करो, शेयर भी करो और लाइक भी करो। पापा वेट कर रहे हैं। ध्रुव क्या करना चाहिए वीडियो को हमारी, लाइक सब्सक्राइब शेयर आएँ तो प्लीज़ हमारी वीडियो देखें और शेयर करें, क्योंकि हमारे ये ध्रुव को तो बहुत ही पसंद है जगह जगह घूमना फिरना, और अच्छा लगता है उसको हमेशा व्यू ले जाते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा में शाम के समय बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, क्योंकि दो तीन दिन बारिश आ गई थी तो देखने लायक जगह हो जाती हैं। और अभी तो हम गाइस बहुत सारी जगह जा तो अभी ये रोड है तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं हम, क्योंकि अभी इतना अंदर अंदर घूम लिए हैं मंदिर में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, घर तो पता नहीं पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं गाइस, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और हम नीचे जाते हैं, हाँ नीचे देखो ये कुत्ता बैठा हुआ है, बाय बाय कुत्ते। तो गाइस अभी हम आ गए हैं गाड़ी के पास और यहाँ ही हमें बंदर दिख गया है, आपको दिख रहा है क्या शायद, हाँ दिख रहा है गाइस आपको, ये रहा ये बंदर, यहाँ बहुत सारे बंदर है भाई, भगाना पड़ता है। yeah,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर दोबारा से कह रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो देखते ही रहें, एंजॉय करते रहें, हम एंजॉय करें आप एंजॉय करें। बाय।